Energy is the driving force behind every growing economy. Mari Petroleum has been fueling the national economy for the last 54 years. Starting only as a production company, Mari Petroleum has, over the years, expanded its operations to exploration and E&P allied services. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kya hal chal hai? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी वीडियोस देख के आप लोग महसूस हो रहे होंगे। आपकी फरमाइशें आती हैं, जैसे जैसे आपकी फरमाइशें आ रही हैं हम उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भाईजान, प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि थकी हुई कंपनी के बारे में मत पूछा करें कि ये फलां कंपनी में क्या है, इसके बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं। आप ऐसी कंपनी के बारे में पूछ लेती हैं जो कि डीलिस्ट हो चुकी हैं, ऐसी कंपनी के बारे में पूछते हैं जो डिफॉल्ट कर चुके हैं या जो परफॉर्म नहीं कर रही। जैसे फ्लाइंग ग्रुप के बारे में मेरे और भाई ने पूछा, तो प्लीज़ ज़रा सा ख्याल रखा करें, कोई अच्छी कंपनीज के बारे में पूछा करें जिनके लिए हम आपको अपना तजिया पेश करें। तो बहरहाल आज एक और अपकमिंग कंपनी आपके लिए लेके आए हैं, उसको कहते हैं क्लोर पाकिस्तान लिमिटेड। ये फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आ रही है, लिस्टेड हो रही है 26/11/2021 को। इसका शेयर 29.87 रुपये था, ओपन 29.93 हुआ, हाई 30.50, लो इतना 39.50, वॉल्यूम 45,500 शेयर्स। इसका ईपीएस नेगेटिव में है, मतलब -4.98, मतलब इसके अंदर जान नहीं है फिलहाल। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं इसमें कब जान आएगी, यदि इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर पता लगेगा। और ये क्या बनाती है, सेल ऑफ फूड आइटम्स, कंज्यूमेबल, ड्यूरेबल्स एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट ट्रेड ऑफ डेंट्री इक्विपमेंट, एयर ऑयल फिल्टर्स एंड अदर कार प्रोडक्ट्स, कुछ कार प्रोडक्ट्स भी बनाती है। तो कंपनी की मैनेजमेंट है वो हिली हुई है, वो कुछ खास इसमें जान नहीं है। आप अगर एग्जिट कर सकते हैं तो इस शेयर में से एग्जिट कर लें, ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि इसकी सारी जो चीज़ें ना इसके रेशियोज नेगेटिव्स में आ रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 930,243,117 शेयर्स है, टोटल शेयर्स इन द मार्केट इज 31,143,059, जो फ्री फ्लोट है वो 15,571,530, फ्री फ्लोट इज 50%, मतलब आधे शेयर्स इसके फ्लोट में हैं, आधे शेयर जो हैं ये लोगों ने होल्ड कर लिए हैं। Gross profit margin is 21.55, net profit margin is -39.35, EPS growth is -161.41. अब इससे क्या होगा कि 161 रुपीस ये प्रॉफिट में आएगी तो तब ये इसका लॉसेस वाइप आउट होंगे। तो प्लीज खुदारा ऐसे शेयरों के बारे में मत पूछा करें, खुद देख लिया करें। ये शेयर नहीं बढ़ेगी ना ये देगी। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर इसमें कोई ऐसी मिरेकल आ गया तो ये कंपनी उठ जाएगी। ये बंगलो नंबर 23B लालाजार ऑफ एमटी खान, तमीज़ खान रोड, कराची में है। तो ये आपकी होगी जी क्लोर पाकिस्तान लिमिटेड पर्सनल एंड केयर प्रोडक्ट्स। प्लीज़ वो कंपनी देखें जिसका ईपीएस हो, जिसका आरओई हो, जिसका ग्रोथ हो, जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। अब इसका माइनस में ही है सारा कुछ, तो मैं आपको क्या बताऊं, इसका ईपीएस ग्रोथ ही 161.41 है। तो अब ये क्या, ये कंपनी क्या परफॉर्म करेगी। बहरहाल मैं इस कंपनी में एडवाइस आपको नहीं करता, अगर आपके पास है तो इसमें थोड़े से प्रॉफिट करके एग्जिट कर जाए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। والصلاه والسلام على خاتم النبي ماري سبارك بيتس 100% pure and natural. Pakistani banke jio, Pakistani piyo ماري سبارك بيتس.